आ रहा हमारी सोसाइटी में, सबसे पहले तो इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप मनोज जी बात जी हैं, तो लोग आपकी बातें सुनते हैं तो कुछ जरा फॉलो करते हैं। लेकिन देखिए, परिवार का महत्व कितना है और परिवार किस तरह से, जो इंडियन फैमिली जो है पूरे दुनिया भर में मशहूर हुआ करती थी, और फैमिली के आपस में जो बॉन्डिंग और उनके रिलेशनशिप जो सबसे ज़्यादा चर्चा में हुआ करती थी, वो आज धीरे धीरे वो सब परिवार बिखर रहे हैं। कैसे जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली भी, जैसा कि आपने सही कहा कि न्यूक्लियर फैमिली भी अपने अपने उस टू बेडरूम में भी अपने अपने कोने में सिमटती जा रही है, उस पर ये फिल्म है। और शमिला जी मेरी माता का किरदार निभा रही हैं, 12 साल के बाद उनकी वापसी हो रही है, उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ा सुखद अनुभव था और सम्मान की बात थी। और जो फिल्म, कई बार हम फिल्में करते हैं और बहुत सारी फिल्में करते हैं, कुछ अच्छी करते हैं, कुछ बहुत अच्छी करते हैं, कुछ उतनी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन गुलमोहर एक ऐसी फिल्म है जिसे बना करके हमें बड़ा गर्व है, क्योंकि ये फिल्म परिवार के महत्व के बारे में बताती है। वो परिवार जो धीरे धीरे हमारे समाज से ख़त्म होता जा रहा है, उसके पतन की कहानी है, उसके डाउनफॉल की कहानी है। इसमें आपको थोड़ी रुलाई भी आएगी और थोड़ी बहुत ज़्यादा आपको हंसी भी आएगी और आप मुस्कराएंगे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके हम सब के परिवार की कहानी है। इस बार होली के मौके पर सर आप आ रहे हैं, डबल सेलिब्रेशन होने वाला है, तो होली है ना एक गुलमोहर। जी, होली पे इससे बढ़िया फिल्म तो कुछ हो ही नहीं सकती, जहाँ पे सेलिब्रेट किया जाए। यहाँ पे हम फैमिली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भारतीय समाज की जो भारतीय परिवार जो होता है, इंडियन फैमिली जो होती है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें होली का गाना भी जो हमने रिलीज़ किया है, जो कि बहुत अच्छा जा रहा है, होपफुली होली के समय में उस गाने को और पुश मिलेगा और लोग उसको लगातार बजाएंगे, उस पर नाचेंगे गाएंगे और रंगों का त्यौहार मनाएंगे। जैसा कि सर आपने बताया कि शर्मिला जी हैं, लंबे टाइम के बाद कम बैक हो रहे हैं, आपकी माता जी बनी है, तो कितना हमारे लेजेंड है हमारे इंडस्ट्री की, तो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए, एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस विद बहुत बड़ी कास्ट है जी, मतलब शर्मिला जी के साथ काम करना इतना बड़ा अवसर था हम लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटी थी। 12-13 साल के बाद वापस हो रही हैं। जब हम बच्चे थे तो हमारे माता पिता इनकी फिल्में दिखाने लेके जाया करते थे, और बहुत सारी फिल्मों के छोटे बहुत थोड़े थोड़ी चीज़ें याद हैं, जैसे कि एन इवनिंग इन पेरिस और दाग, और उनकी सबसे अच्छी फिल्म मुझे लगती है मौसम। दाग के गाने मुझे आज तक याद है, जो कि मैंने बचपन में अपने माँ बाप के साथ देखी थी, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था। जब भी मैं उनके साथ समय बिताता, जब भी मैं उनके साथ एक्टिंग कर रहा था कैमरे के सामने, तो मेरे लिए ऐसा लगता था जैसे कि चाइल्डहुड का जो है पूरा समय वापस आ गया। बस फर्क इतना था कि वो पर्दे पे नहीं थी, वो मेरे सामने थी। क्या बात है, चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। इधर से धीरे, यहाँ से मार ले, अरे भाई आगे नहीं, यहाँ मार ना, मैं भी इधर बोला ना, जैसे मैम लोग क्या रहे हैं, Thank you.